डीएम एसएसपी ने किया जनता का आभार व्यक्त। जी हां, बदायूं नागरिकता संशोधन अधिनियम पर जनपदवासियों ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीएम कुमार प्रशांत और एसएसपी अशोक कुमार त्रिपाठी ने जनता और खासकर मुस्लिम धर्मगुरुओं का आभार व्यक्त किया है। शहर में कोतवाली परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान डीएम ने कहा कि मुश्किल घड़ी में जनपद के सम्मानित नागरिकों ने जो संवेदनशीलता का परिचय दिया है, इसका यह प्रमाण है कि जनपद में कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जिला एवं पुलिस प्रशासन सबका आभारी है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी यहां आपसी सौहार्द, शांति और भाईचारे का माहौल बना रहेगा। एसएसपी अशोक कुमार त्रिपाठी ने कहा कि उन्हें बदायूं के लोगों पर पूरा विश्वास है कि बदायूं में गंगा जमनी तहसीब बरकरार रहेगी। पिछले जुमे को कुछ खुरापाती तत्व शहर की फिजा खराब करना चाहते थे, इसको लेकर उन्हें तमाम धर्मगुरुओं ने आश्वस्त किया कि बेफिक्र रहे, शहर में ऐसा कुछ नहीं होगा। और उन्हें खुशी है कि तमाम धर्मगुरुओं ने मस्जिद में अपील की कि नमाज के बाद शांति पूर्वक घर को जाए, कोई सड़क पर फालतू ना रुके। इसका असर यह हुआ कि जनपद में शांति बनी रही। कार्यक्रम में सूचना विभाग की ओर से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 संबंधित पंपलेट भी वितरित किए गए। इस मौके पर जिलाधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के अलावा अपर जिलाधिकारी प्रशासन मान निवास शर्मा, एसपी सिटी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव, सिटी मजिस्ट्रेट अमित कुमार, सीओ सिटी विनय कुमार द्विवेदी, तहसीलदार रामनयन सिंह, अशरफ अली मदरसा आलिया कादरिया, प्रवक्ता तस्लीम हसन कादरी, अशोक पुराना मानवाधिकार कार्यकर्ता शमसुद्दीन अशरार अहमद सहित जनपद के अन्य मौजूद लोग उपस्थित रहे। बदायूं से हमारे संवाददाता शमसुद्दीन की रिपोर्ट। सर, आज यहाँ मौलानाओं और इमाम साहबों को यहाँ बुलाया गया है, कोतवाली में किस संबंध में क्या हुआ यहाँ पर? ये विशेष रूप से जनपद स्तरीय पीस कमेटी कहें या यहाँ के गणमान्य नागरिक कहें, उन लोगों को बुलाया गया था विभिन्न जनपद के विभिन्न इलाकों से, और उनसे ये अपील की गई। एक तो धन्यवाद ज्ञापित किया गया जो विगत कुछ दिनों में इन्होंने हमारी मदद की, और उसके अलावा ये भी उनसे अपील की गई कि आने वाले कुछ संवेदनशील रहेंगे उसमें शासन प्रशासन का सहयोग करें और अपने इलाकों में जाके ये मैसेज देने का प्रयास करें कि राज्य सरकार की जो भी मंशा है कि आगे के भी कार्यक्रम जो है काफ़ी शांतिपूर्वक तरीके से, इसके लिए ये मीटिंग बैठक बुलाई गई थी।